हमारे साथ मौजूद हैं एससी एसटी कमीशन के चेयरमैन और इटावा से निर्वाचित होकर आए सांसद रामशंकर कठेरिया जी, इनसे बात करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई सर। साथ ही मेरा सवाल ये है कि देश भर की जनता ने बहुत ज़्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर जताया है। जितना भरोसा है जनता का, उतनी ही उम्मीदें भी हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब एक और बड़ी चुनौती है? ये बात सही है कि देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर जो विश्वास जताया है, और विश्वास इसलिए जताया क्योंकि 5 साल उन्होंने जो जनता से वादा किया था उस पर वो पूरी तरह खरे उतरे, और इसलिए जनता ने एक बार फिर मौका दिया है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की एक बड़ी चुनौती सामने है कि हम जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, यह हमारी प्राथमिकता है। इससे पहले आप आगरा के सांसद थे, वहां पर आपने बहुत काम किया, लेकिन इस बार इटावा की जनता ने आपको संसद तक चुनकर भेजा है। ऐसी वो दो कौन से काम होंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे इटावा की जनता? देखिए, इटावा की जो जनता है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो जेन्युइन कुछ बातें होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, उनके साथ बैठ के और पूरे लोकसभा की जो समस्याएं हैं, उन समस्याएं चूंकि हमारी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, तो उन समस्याओं का रोड मैप बना करके उनकी समाधान करने की दिशा में हम लोग ठोस पहल करेंगे, इसे मैं प्राथमिकता मानता हूँ। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से लगातार चाहे कांग्रेस पार्टी हो, महागठबंधन हो, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने सही तरीके से अपनी बातों को जनता के सामने रख नहीं पाए, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कुशल नेतृत्व है और जो 5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो काम किया है, उसके कारण देश की जनता ने उनको चुना है। जहाँ तक विपक्ष की भूमिका है, तो मैं मानता हूँ कि जिस तरह उनका इतिहास रहा है और इसलिए जनता ने उनको उन पर न भरोसा किया है और न मुझे लगता है कि वो भरोसा करने लायक हैं, तो इस स्थिति में स्वाभाविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विराट व्यक्तित्व जो पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने है, जनता ने इसलिए उनको पसंद किया है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे रामशंकर कठेरिया जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार की कार्यशैली, कार्यनीति के चलते देश की जनता ने उनको चुना है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ ममता चतुर्वेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।